नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूँ आप सबका RMD हाईटेक पे। दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा वो मैंने शूट किया है GoPro 8 से और इसके लिए मैंने यूज़ किया था ये हैंडलर जो कि है 3-way हैंडलर फ्रॉम GoPro। तो इसे आप ग्रिप आर्म और ट्राइपॉड के तौर पे यूज़ कर सकते हो और वो GoPro की तरफ से आता है। तो दोस्तों मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा यहाँ पे सैन एंटोनियो में। मैं अपने पर्सनल काम से सैन एंटोनियो आया था टेक्सस में और इस होटल में रुका हुआ हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है ये होटल। और कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है सैन एंटोनियो का मेरे होटल। बहुत ही कूल क्लाइमेट है एज़ कम्पेयर टू शिकागो और काफ़ी एन्जॉयबल क्लाइमेट है। तो देखते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए ये प्रोडक्ट, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, क्या है इसका बॉक्स कंटेंट और कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे मल्टीपल वेज में। तो दोस्तों ये है वो बॉक्स जिसे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर लिखा है कि 3 ways में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ग्रिप आर्म और ट्राईपॉड बोल के। यहाँ पर GoPro का लोगो मिलेगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि आप कैसे इसे मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दिया है इस बॉक्स में क्या क्या आएगा, एक्सटेंशन आर्म, ग्रिप, ट्राईपॉड और थंब स्क्रू। और यहाँ पे लिखा है कि ये हर GoPro के साथ में कंपेटिबल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका बॉक्स कंटेंट इसके अनबॉक्स करके। तो ये रहा इसका बॉक्स। और दोस्तों आप देख सकते हो इसमें एक ग्रिप मिलता है जो कि आता है इस तरह से, एक थंब स्क्रू आता है और इस बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो ये है वो ग्रिप जहाँ पे आप यहाँ पे आपका कैमरा माउंट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सेल्फी लेना है तो आप इस तरह से इसे लेंदी भी कर सकते हो और इसको मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इसके नीचे आता है एक छोटा सा ट्राइपॉड जो कि काफ़ी हैंडी जाता है अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। और इसे भी आप पूरी तरह से निकाल सकते हो इस तरह। और ये काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी यूज़फुल है। और काफ़ी मल्टीपल वेज में आप ऐसे सेल्फी यूज़ कर सकते हो या फिर आपको कहीं पे ऐसे रिकॉर्डिंग करनी है तो उस तरफ कैमरा करके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मल्टीपल वेज में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ फुटेजेस जिसको यूज़ करके मैंने रिकॉर्डिंग की है, आपको आइडिया आ जाएगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यह है डाउनटाउन सैन एंटोनियो। पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक कैसे क्लियर आ रही है बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी शोर है
और काफ़ी भीड़ है, तो डेफिनेटली आई डाउट मेरी आवाज़ पहुँचेगी। अगर पहुँच रही है तो डेफिनेटली इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जो भी सुझाव, जो भी इनपुट्स होंगे वो ज़रूर कम्युनिकेट कीजिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।